ब्रह्मास्त्र नाम तो सुना ही होगा। जिन लोगों को ब्रह्मास्त्र के बारे में मालूम नहीं हुए हैं, वो एक बार ब्रह्मास्त्र के बारे में जानकारी जान लें कि ब्रह्मास्त्र क्या है। भारतीय पौराणिक कथाओं में ब्रह्मास्त्र को एक अजय शस्त्र माना जाता था, जिसके आगे बड़ा सा बड़ा शस्त्र भी विफल हो जाता था। निर्देशक अयान मुखर्जी ने इस देवी अस्त्र के इर्द गिर्द ब्रह्मास्त्र ट्रिलॉजी का कथा संसार बुना है और इसी माइथोलॉजी बेस पे ये मूवी बनी हुई है। मार्वल के सुपर हीरो फिल्मों में जहां वीएफएक्स स्पेशल इफेक्ट सीजीआई तकनीक की मदद से एक अलग दुनिया रची जाती है, ऐसा ही ब्रह्मास्त्र में देखने को मिल रहा है, जो एक भारतीय पर्दे का एक महत्वाकांक्षी प्रयास है। अयान मुखर्जी के इस विजन और साहस की दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने कुछ ऐसा सोचा जिससे कि भारतीय सिनेमा को एक अगले स्तर पर ले जाया जा सकता है। फिल्म ब्रह्मास्त्र पौराणिक कथाओं पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत बहुत जोश भरी रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने अपनी आवाज से चार चांद लगा दिए हैं। वहीं रणबीर कपूर की झलक के साथ शुरू हुआ है ये ट्रेलर, दर्शकों के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। इस कहानी में अस्त्रों के महाबली और सर्व शक्तिशाली अस्त्र को ढूंढने के इर्द गिर्द घूमती है। ट्रेलर में आगे दिखाया जाता है कि शिवा एक सिंपल लड़का है जो एक डीजे है, मगर उसमें अग्नि की शक्ति होती है जो उसको नुकसान नहीं पहुंचाती है। और ईसा जो कि आलिया भट्ट है, इसमें शिवा की गर्लफ्रेंड होती है। और लौकिक शक्तियों का स्वामी होने के कारण शिवा को एहसास होता है कि दुनिया में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। इसी वजह से देवी अस्त्र ब्रह्मास्त्र, जिसे हासिल करने के लिए बुरी ताकतें पृथ्वी पर आ रही है, इसका नेतृत्व मौनी राय का किरदार जुनून कर रही है, जो एक खतरनाक और परलौकिक शक्तियों की स्वामिनी होती है। पृथ्वी पर ब्रह्मास्त्र की रक्षा एक समूह करता है, जिसका नेतृत्व अमिताभ बच्चन का किरदार निभाता है। नागार्जुन नंदी की शक्ति का स्वामी है। यह भी कहा जा सकता है कि यह सब किरदार परलौकिक शक्तियों का पृथ्वी पर एक मानवीय रूप है। ट्रेलर में एक दृश्य दिखाया गया है जिसमें अमिताभ बच्चन का किरदार शिवा से कहता है कि वो खुद एक अस्त्र है। दोस्तों, ओवरऑल बात करें तो फिल्म की पूरी कहानी अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई की होगी। कहीं ना कहीं जिस तरह हॉलीवुड फिल्म एवेंजर में अच्छे और बुरे के बीच की जंग को दिखाया जाता है, कुछ इसी तरह ब्रह्मास्त्र की स्टोरी लाइन भी है। दोस्तों, ये मूवी 9 सितंबर को रिलीज होने वाली है। हम सभी लोगों को इसका इंतजार रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरी जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।